वेलकम बैक। बुनियादी तौर से गलत यही होंगी है कि असी वीक एरियाज वेखीए और इंस्टीट्यूशन और कंपनीज के नाल जाके बाकायदा तौर पर टी एन ए करना, फिर रेकमेंडेशन देनी, क्योंकि मेरे बेशुमार दोस्त ने पैसा एक कंपनी दे जिन्हों का छोटे ग्रुप्स ने और उन्होंने ख्वाहिश भी होंगी है, और जाहिर है जेडे भी ग्रेजुएट्स काम कर रहे होंगे ने वो फील करते हैं कि यार अगर असी बड़े कंपनी काम करते होंगे तो शायद साड़िया ट्रेनिंग्स का जोड़े एरिया इन्ना वीक ना होंगे, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है, हर बंदे की एक स्ट्रोंग डिजायर है कि मैं प्रमोट होवा, तरक्की करा, और बीइंग मैनेजर मैनेजेरियल स्किल्स जिहड़ियां ने ओह किंज आउंदियां ने और टी एन ए किंज करदे ने। जी राणा साहब, ट्रेनिंग दे उत्ते अवैस मैं कहांगा कि जी अवैस बिल्कुल असी ट्रेनिंग ते गल कर रहे सी कि कंपनीज जिहड़ी ने अपनी ट्रेनिंग कराना चाहुंदियां ने। साडी दो तरह की ट्रेनिंग होंदियां ने, एक तो असी ओपन एनरोलमेंट जिहड़ी मार्केट नूं जिहड़ा मार्केट करके बेचदियां ने, ठीक है, जिहड़ा भी अपनी उत्ते नोमिनीज भेज दे, साडी ट्रेनिंग किसी भी जगह जिहड़ी असी अरेंज कराई है वो अटेंड कर ले। एक साडी टेलर मेड ट्रेनिंग, कोई भी कंपनी साडे कोल आंदी है वो सानू कहिंदी साडा टी एन ए रन कर दिओ, या सानू आपे ही दस दिंदी कि इह वाली ट्रेनिंग सानू चाहिए ते इस तरह चाहिए, यानी उन्होंने ही असूलों से उन्होंने बुनियाद बिल्कुल बिल्कुल कस्टमाइज करके उन्होंने ट्रेनिंग दे दी है। असी उन्होंने उत्थे टी एन ए रन करी दा भी केड़ी ट्रेनिंग उन्होंने चाहिए है, चाहे वह सॉफ्ट स्किल्स की होवे या हार्ड कोर टैक्निकल स्किल्स की होवे। सॉफ्ट स्किल्स से असी टी एन ए रन करी दा ते पता करी दा इन्हां दे इंप्लॉयज नूं स्ट्रैस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए है, टाइम मैनेजमेंट की चाहिए है, या उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की चाहिए है, कम्यूनीकेशन की चाहिए है। असी वाह सारी ट्रेनिंग है जी लिखिया होंदा कि जिहड़े लोग अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते, अंडर स्ट्रेस मतलब अंडर प्रेशर जिहड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते इस जॉब वास्ते अप्लाई ना कर, और यकीनन मतलब जदों कंपनीज इंटरव्यू कर दिया ने वो दो तीन चार चीज़ा जरूर वेख दिया ने। मैं तो समझना जी, वेखो बड़ी सीधी जी गल है कि जिधर नूं पानी रुड़दा हुंदा है उधर नूं रुड़ना तो बड़ा आसान है, मतलब तारी तरदे हाँ असी, जिधर नूं पानी का फ्लो वगदा है पिया उधर नूं असी स्विम करने हाँ, तो यकीनन असी दूजे नालों मार्जिनली थोड़ा बहुत उत्ते चल जाएंगे। बंदा शेर वो ही हुंदा जिहड़ा उतां नूं टुरिया होवे। मैं वेख्या कि जिहड़े इनोवेटिवली अज दुनिया दे विच चीज़ां नूं लै के चल रहे ना जी, उन्होंने वास्ते नवीं राह भी खुलदियां ने। अच्छा थोड़े सानू याद है, असं जो जिन्हें पैसा कंपनी के लोग हैं ना जी, अज असी जो भी बहीदा वो जनाब एस एस टी सी की सी, अच्छा जी एडवांस प्रोफेशनल सैलिंग स्किल्स कोर्स किया, जी लीडरशिप मैनेजमेंट कोर्स किया, जी प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोर्स किया, और सारी चीज़ें है ना जी जनाब सारी जी ट्रेनिंग ने असं कराते पे, जिदा मैं तुम्हें दसता पाया ना स्ट्रैस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन ते वर्कप्लेस एथिक्स, ए सारी सॉफ्ट स्किल्स ने। अच्छा। जी टेक्निकल जिदा स्किल्स आ जांदियां ने, जिदा सेल्स हो गई, इंप्लॉय रिलेशन हो गई, फाइनेंस हो गया फॉर नॉन फाइनेंस पीपल, हर किसी अपना फाइनेंस तो मैनेज करना पैंदा है ना, जिहड़ा भी बंदा होवे नॉन फाइनेंस पीपल लई फाइनेंस वाली ट्रेनिंग, ऑफिस ऑटोमेशन दी, एमएस ऑफिस कंप्यूटर बड़ा जरूरी है, हर किसी लई बड़ा जरूरी है, तो हर किसी नूं चाहिए कि उन्हें इस्तेमाल करना जे वध तो वध आवे। अच्छा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़ियां सन उत्ते बड़ा टाइम दिता जांदा हुंदा सी, साडे जमाने च भी एक बकायदा कोर्स करवाया जांदा सी, जनाब करवांदे ने पे बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल ते मैं सॉफ्ट स्किल च दस्सिया तुहानू पहले कि असीं कम्युनिकेशन स्किल्स ते काफ़ी कोर्सिस कराते पे हैं, यानी हर तरह के बैच लई उहदा अलहदा कोर्स हैगा। अच्छा तुसीं जदों तक कम्युनिकेट ही नहीं कर सकोगे तुसीं सेल्स नहीं कर सकोगे। अच्छा जिहड़ी कंपनियां दे साडे दोस्त ने, देखो जी साडे मैनूं पता है साडा जिहड़ा कल्चर है ना पैसा इट दा, साढ़े हर 15 दिन बाद महीने बाद ट्रेनिंग कोर्स मतलब अपनी सेल्स दियाँ उन्हां दी मीटिंग्स होंदियां ने, क्या तुहाडा कोई बंदा जाके उन्हां दे विच बैठ के एज ए लिसनर, एज ए लिसनर उत्थे बैठ के वेख सकदा कि इन्हां दी टीम नूं लोकां नूं किहड़ी किहड़ियां ट्रेनिंग दी जरूरत है? साडे कोल मुकम्मल इहदी जिहड़ी है सलाहियत मौजूद है। अच्छा जिहड़ी लोग अपना बंदा भेज सकदे हो ताकि बैठ के वीक एरियाज नूं आइडेंटिफाई कर सके या टीम जा सके? साडी पूरी टीम जांदी है, डॉक्यूमेंटेड वर्क हुंदा है, उहनां दी सेल्स मीटिंग वगैरह देखी जांदी है, पूरा एक उहदे उत्ते प्रोसीजर हुंदा, एक रिसर्च हुंदी पूरी, एक एनालिसिस पूरा हुंदा है, इहनां दी जिहड़ी सेल्स दी टीम है उहदे च किहड़ी कमी है, किहड़ी शै नूं असीं हाईलाइट करके बहुता ट्रेन करना इहनां नूं, किहड़ी शै च असीं जोर देणा जोर दिता जाए कि तवज्जो दिती जाए तो वध रिजल्ट आएगा। ठीक है,
असी भी एक रिपोर्ट बनाई दी कि असी साड़ी है जो सजेशन है कि तुम इतने इतने इंप्रूवमेंट कर लो, फिर वो वेखते हैं कि वाकई यार यह जाहिर जी गल है असी प्रोफेसनल हाँ, सानू एक टाइम हो गया मार्केट के बड़ा वक्त गुजारे, सानू पता है एच आर का, तो असी बड़े प्रोफेसनल तरीके काम लैके चली दे, डाकूमेंटेड तरीके रिपोर्ट अपनी पेश की जाती है, फिर वो वेखते हैं, फिर वो मानते हैं कि हाँ एस एस जगह पर सानू ट्रेनिंग करा दो, भावें वह सेल्स के नाल हैगी है, भावें कम्यूनीकेशन हो, भावें ऑटोमेशन ऑफिस जी भी शायद ही ट्रेनिंग हो, साढ़े को सारे कंसल्टेंट पूरी एक एलिजिबल टीम जी है साढ़े को मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, तुम दस रहे हो कि बेशुमार लोगों को गाइड करते हो कि बाहर के मुल्क जॉब्स के हवाले नाल भी तुम असिस्ट कर सकते हो। सर्विस अभी पिछले माशाला 5-7 साल तो दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जिन्नी मल्टीनेशनल कंपनियां ने ना उन्होंने सैक्टर डिफरेंट आ जाते हैं, उस इंजीनियरिंग सैक्टर आ गया, उस FMCG सैक्टर है, फिर एग्रीकल्चर सैक्टर है, ऐसे तरीके ना डिफरेंट सैक्टर्स नो से ऑलरेडी रिक्रूटमेंट होने वास्ते कर रहे हैं। अच्छा, हेड हंटिंग सर्विस सानू बोले जाता, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान च भी ज्यादातर मल्टीनेशनल सर्विस नो यूज कर दियां साडियां, जिद विच क्योंकि अजकल के दौर इनफ्लक्स बहुत है, हाँ। एक अगर ऐड दो ना अजकल, हाँ। ऐड भी फारग हो गए ने, हाँ। इस अलावा डिफरेंट अजकल ट्रेंड एक होर चल पाया, जॉब पोर्टल्स बन गए हैं, चैनल जिन्होंने लोग जाके अपने मुख्तलिफ नौकरियों ना अपलाई करते हैं, लेकिन कंपनियों बहुत मसले आ रहे हैं, वो इस करके आते हैं कि एक जॉब पोस्ट करते हैं तो वो अगेंस्ट 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार CV आ रहे हैं। और मेरी बल्कि किसी मल्टीनेशनल दे नाल गल हो रही थी, किसी उन्होंने रिक्रूटमेंट मैनेजर वो दस रहे थे यार असं बड़े अक गए कि असी एक जॉब पोस्ट की छोटी जी वास्ते सानू 7 हज़ार CV आया, उन्होंने असी साड़ी पूरी टीम लगी रही उन्होंने उत्ते, यानी कि उन्होंने स्क्रीनिंग स्क्रूटनी करते करते पता चलिया और सिर्फ 3-4 बंदे से जिन्होंने कंसिडर कर सकते सन। इतने मसला है कि अगर एक पोर्टल के उत्ते 10 जॉब्स ने ना, एक बंदे ने चाहे कुछ भी पढ़िया ना, उन्हें 10 के उत्ते CV भेज देना, इन्ना डेस्परेट है, असी अपनी जॉब नू टारगेट ही नहीं करते। इस करके मैं अगर किसी बंदे का 10 पोजिशन दिती ने, मैं अगर एक बंद का CV 10 बारी मिलेगा ना, तो 3री बारी मैं पाड़ देंगे यार बंदा वेला ही है, ये हर पोजिशन से पाई जा रहा। इस करके असी लोगों ने बेसिकली अपनी जी वर्थ आप ही घटाई है। मैं तुम दसा ना जिस जॉब हंटिंग टैक्नीक्स मैं तुम दस रहा कि सब नो इंपोर्टेंट हों CV राइटिंग हूँ, तुम मैं जो शुरू करना वा किस तरह बच्चे करना चाहिए जो भी प्रोग्राम। अच्छा, मैं ये अहम चूंकि टाइम थोड़ा जहा घट है, मैं पूछना चाहूँगा, वेखो बेशुमार कंपनियां ऐसा ने साढ़े, मैं दोस्त जानना वा